गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर, टीटीसी एलआरडीसी निर्देशित वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग एंड वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग के आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं डेटा माइनिंग का इंट्रोडक्शन, डेटा माइनिंग कैसे काम करता है, डेटा माइनिंग के टास्क दो तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एक्टिव, डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर, डेटा माइनिंग के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डेटा माइनिंग के एप्लीकेशंस क्या हैं, डेटा वेयरहाउस का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर डेटा वेयरहाउस के एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज। डेटा माइनिंग का इंट्रोडक्शन। डेटा माइनिंग, डेटा का खनन करना। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज डिस्कवर किया जाता है, पैटर्न्स डिस्कवर किए जाते हैं लार्ज डेटा सेट से। डेटा माइनिंग यूज किया जाता है कंपनीज के द्वारा टू लर्न मोर अबाउट कस्टमर्स के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए, ताकि इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाई जाए, सेल्स को इंक्रीज किया जाए, कॉस्ट को डिक्रीज किया जाए और कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाया जाए। डेटा माइनिंग काम कैसे करता है इसको समझने के लिए हम 5 स्टेप्स में पूरी डेटा माइनिंग प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। पहली जो स्टेप होती है वो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कंपनी जो होती हैं वो डेटा कलेक्ट करती है और इसको लोड करती है उनके डेटा वेयरहाउस में। सेकंड स्टेप होती है उसमें वो डेटा को मैनेज करते हैं या तो उनके इनहाउस सर्वर में या क्लाउड पर। तीसरी स्टेप में बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट टीम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स एक्सेस करते हैं डेटा को और डिटरमाइन करते हैं कि वो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सॉर्ट करता है डेटा को यूजर की रिजल्ट्स के हिसाब से। फिफ्थ स्टेप में एंड यूजर प्रेजेंट करता है डेटा को ऐसे फॉर्मेट में, ऐसे पैटर्न्स में, ग्राफ्स में, टेबल्स में जो कि समझने में आसान हो और कंपनी के ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा सके, प्लान बनाया जा सके। डेटा माइनिंग टास्क हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं और ये डिपेंड करता है कि कौन से तरह के डेटा माइंड किए जा रहे हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड है प्रिडिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हम डील करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा, जो डेटाबेस में एग्जिस्टिंग डेटा है उसकी जनरल प्रॉपर्टीज से हम डील करते हैं। प्रिडिक्टिव में हम जो अवेलेबल डेटा सेट है उनको यूज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि नया डेटा सेट है वो कैसे बिहेव करेगा। डिस्क्रिप्टिव फंक्शंस हैं वो मेनली 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, सेकंड माइनिंग ऑफ एसोसिएशंस, थर्ड माइनिंग ऑफ कोरिलेशंस, फोर्थ है माइनिंग ऑफ क्लस्टर्स। माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, इसमें फर्स्ट आता है फ्रीक्वेंट आइटम सेट, ऐसे आइटम्स के सेट जो फ्रीक्वेंटली एक साथ खरीदे जाते हैं जैसे ब्रेड और मिल्क। सेकंड टाइप है फ्रीक्वेंट सबसीक्वेंस, इसमें ऐसे आइटम्स के सेट हैं जो एक के बाद में एक खरीदे जाते हैं, जैसे कोई कस्टमर एक मोबाइल खरीदता है तो उसके बाद में वो उसका कवर खरीदता है,
ताकि उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। और उसके बाद में वो हो सकता है मेमोरी कार्ड खरीदता है, तो ऐसी सीक्वेंस बनती है उसके खरीदने की। थर्ड है माइनिंग ऑफ एसोसिएशंस। इसमें एसोसिएशंस को यूज किया जाता है रिटेल सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे पैटर्न्स जो फ्रीक्वेंटली एक साथ परचेज किए जाते हैं उनमें एसोसिएशन देखा जाता है, जैसे ब्रेड और मिल्क। तो मिल्क के साथ में ब्रेड है वो कितनी बिक रही है, और मिल्क के साथ में बिस्किट कितने लोग खरीद रहे हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं लगभग 80%, मान लीजिए 80% लोग हैं वो मिल्क के साथ में ब्रेड खरीद रहे हैं, और ओनली 20% लोग ये वो बिस्किट खरीदते हैं मिल्क के साथ में। तो कंपनी है वो अपना जो प्लान है वो इसको देखते हुए आगे बनाएंगे कि उनको ब्रेड कितना बेचना है, बिस्किट कितना बेचना है। नेक्स्ट है माइनिंग ऑफ कोरिलेशंस। इसमें एनालिसिस किया जाता है स्टेटिस्टिकल कोरिलेशंस को दो आइटम्स के बीच में, और एनालाइज किया जाता है कि एक आइटम है उसकी सेल्स कम ज़्यादा होने का दूसरे आइटम की सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि दिए गए डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर फ्यूल रेट बढ़ता है, अगर डीजल की प्राइसेस बढ़ती है, तो डीजल व्हीकल्स की सेल है वो कम हो जाएगी, वो ग्राफ डाउन जाएगा। और अगर डीजल व्हीकल्स की सेल है वो कम होती है, तो साथ में जैसे फर्स्ट डायग्राम उसमें देख रहे हैं फ्यूल रेट बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनकी सेल बढ़ जाएगी, तो ये पॉजिटिव ग्राफ जाएगा। जबकि फ्यूल रेट बढ़ रही है उसका मिल्क की सेल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कोरिलेशन में पॉजिटिव, नेगेटिव और नो इफेक्ट, तीन तरह का एनालिसिस हम करते हैं। माइनिंग ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब होता है ग्रुप, और एक ग्रुप में सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ग्रुप के सभी ऑब्जेक्ट्स में समानता होती है, और एक ग्रुप के ऑब्जेक्ट से दूसरे ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स में असमानता होती है। तो जैसे कि आपने सुपरमार्केट में देखा होगा कि अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं वो ग्रुप्स में रखे जाते हैं, एक जगह कोल्ड ड्रिंक है तो सब कोल्ड ड्रिंक्स रहेगी, वाटर है तो वाटर रहेगा, स्वीट्स है तो स्वीट्स रहेगी। इस तरह से ग्रुपिंग क्लस्टर्स होता है। सेकेंड टाइप का जो डेटा माइनिंग टास्क है वो होता है प्रिडिक्टिव, जो अवेलेबल डेटा सेट से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर का डेटा सेट कैसे बिहेव करेगा। इसमें मेनली तीन टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन, इफ देन रूल्स, डिसीजन ट्री एंड न्यूरल नेटवर्क। इफ देन रूल्स में हम पुराने जो डेटा सेट है, ट्रेनिंग डेटा है, उनको यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं एंड क्लासिफिकेशन रूल्स बनाते हैं। जैसे कि दिए गए डायग्राम में हम देख सकते हैं ट्रेनिंग डेटा है उसमें चार तरह के डेटा दे रखे हैं, एज दे रखी है, नेम्स दे रखे हैं, इनकम है एंड लोन डिसीजन है। तो बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा हमने ये कि यदि जो लोन के लिए अप्लाई करता है उसकी एज है वो 25 साल है या उससे छोटा है, तो उसका उसको लोन देना रिस्की है, चाहे उसकी इनकम हाई हो चाहे लो हो। लेकिन यदि एज है वो 25 से ज़्यादा है तो उसको लोन देना सेफ है। सेकंड है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, कोई कंपनी है जो ये देखना चाहती है कि उसके कौन से कस्टमर्स हैं वो कंप्यूटर खरीदेंगे, कौन से नहीं खरीदेंगे। तो हमने मेनली तीन एज के हिसाब से तीन ब्रांचेज बना ली, यंग, मिडिल एज्ड एंड सीनियर। तो यंग जो लोग हैं उसमें अगर वो स्टूडेंट्स हैं तब तो वो कंप्यूटर खरीदेंगे, स्टूडेंट्स नहीं हैं तो वो कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे। एज
अगर मिडिल एज्ड है, इसका मतलब वन पर्सन है और अच्छी इनकम है उसकी, तो वो कंप्यूटर खरीदेगा, उसको ज़रूरत है। सीनियर है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग देखेंगे, अगर क्रेडिट रेटिंग फेयर है तो वो नहीं खरीदेगा, अगर एक्सीलेंट है तो कंप्यूटर खरीदेगा। नेक्स्ट है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क है ये इंसान के दिमाग के मॉडल पर आधारित है, और इसमें जैसे कि दिमाग में लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे मिलके न्यूरल नेटवर्क बनता है, और कोई भी हमारा डिसीजन लिया जाता है वो के द्वारा लिया जाता है। दिए गए डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, इनपुट एक लेयर दिखा रखी है न्यूरॉन्स की, एक हिडन लेयर है, एक आउटपुट लेयर। न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो एग्जिस्टिंग डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट यूज करके पैटर्न फाइंड करते हैं एंड रूल्स बनाते हैं, जिससे हम डिसाइड कर सकें कि फ्यूचर डेटा सेट है वो कैसे बिहेव करेंगे, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वेरी यूजफुल इन एसोसिएशंस, क्लासिफिकेशंस, क्लस्टर्स एंड फोरकास्टिंग में। डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर जैसे भी डायग्राम में दिया गया है, डेटा माइनिंग के अंदर जो अपन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कोई भी, उसके अंदर सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, उसके नीचे पैटर्न इवेल्यूशन होता है। कोई भी डेटा माइंस किया जाता है उसको हम, एक पैटर्न रहता है उसका, उस पैटर्न से स्टडी करने में आसानी होती है, और वो पैटर्न बनाने के लिए हमें हेल्प मिलती है नॉलेज बेस से। नॉलेज बेस होता है उससे हमें पैटर्न बनाने में आसानी होती है। पैटर्न इवोल्यूशन के नीचे होता है डेटा माइनिंग इंजिन। डेटा माइनिंग इंजिन के अंदर सारे डेटा माइनिंग जो फंक्शंस है, क्लस्टरिंग है एंड क्लासिफिकेशन है, डिसीजन ट्री है, वो सारे फंक्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। उसके नीचे डेटा वेयरहाउस सर्वर होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन फेच किया। डेटा वेयरहाउस सर्वर के अंदर इंफॉर्मेशंस हैं वो हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, उसमें वर्ल्ड वाइड वेब हो सकती है, डेटाबेस है, डेटा वेयरहाउस है, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो डेटा की क्लीनिंग करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एंड सिलेक्शन करते हैं। ये सारी प्री प्रोसेसिंग करने के बाद में डेटा वेयरहाउस सर्वर पर इंफॉर्मेशन सेंड, और वहाँ से डेटा माइनिंग इंजन है डेटा को माइन करके पैटर्न इवोल्यूशन लेयर पर सेंड करता है। वहाँ से एक पर्टिकुलर पैटर्न जो एंड यूजर को स्टडी करने वो बन के जीयूआई के थ्रू डिस्प्ले होता है। डेटा माइनिंग के एडवांटेजेस, डेटा माइनिंग के हर फील्ड में एडवांटेज है। मार्केटिंग एंड रिटेल के अंदर कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करके, उसको स्टडी करके एंड कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट प्रोवाइड कर सकती है कंपनीज। फाइनेंस एंड बैंकिंग, फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं लोन डिसीजन में लोन देना रिस्की है कि सेफ है। रिसर्चर्स है वो ओल्ड डेटा सेट को यूज करके अपना रिसर्च है, उसमें आसानी होगी उनको। किसी भी कंपनी को अपनी ब्रांड लॉयल्टी है वो बढ़ा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जिससे वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। डेटा माइनिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे प्राइवेसी इश्यू है, सिक्योरिटी इश्यू है, मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। तो कंपनीज के पास है वो अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, वो डेटा लीक हो सकता है, कस्टमर्स की प्राइवेसी है उसमें सेंध लग सकती है, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, बैंक की इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाए तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं डेटा माइनिंग के। एप्लीकेशंस, आज लगभग हर एक फील्ड में डेटा माइनिंग यूज होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अलीबाबा है, सब डेटा माइनिंग यूज करती है, कस्टमर्स के बिहेवियर को एनालाइज करती है
एंड अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग उसी हिसाब से करती है ताकि उसका कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाया जा सके, कस्टमर्स है उनको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके, अच्छी सर्विस मिल सके लो कॉस्ट पर, सर्विस प्रोवाइडर्स है जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह की, वो भी कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं डेटा सेट को यूज करके, डेटा माइनिंग को यूज करके। रिटेल है, बैंकिंग, बैंकिंग में काफ़ी यूज होता है डेटा माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में भी डेटा माइनिंग यूज होता है, एजुकेशन सेक्टर में डेटा माइनिंग यूज होता है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में डेटा माइनिंग यूज होता है, फॉल्स क्लेम्स उनको एनालाइज कर सकते हैं, फ्रॉड्स होते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, सुपरमार्केट्स में होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डेटा माइनिंग यूज होता है। नेक्स्ट है डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस का इंट्रोडक्शन। डेटा वेयरहाउस में हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके, अलग अलग तरह के डेटा कलेक्ट करके उनको एक डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। डेटा वेयरहाउस के मेन चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेटा वेयरहाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, एक डेटाबेस में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही होती है। सेकंड, इंटीग्रेटेड, डेटा वेयरहाउस में जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो इंटीग्रेटेड होता है, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करते हैं, उनको इंटीग्रेट करके उसमें स्टोर किया जाता है। टाइम वेरिएंट, डेटा वेयरहाउस में जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम वेरिएंट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, तो उससे डिसीजन जो लिया जाता है वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम इंटरवल की इंफॉर्मेशन दी गई है। नॉन वोलेटाइल, डेटा वेयरहाउस में जो डेटा है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, वो रीड ओनली होता है, उसके हम किसी तरह का बदलाव हम नहीं कर सकते। डेटा वेयरहाउस के एडवांटेजेज, डेटा वेयरहाउस के एडवांटेजेज है, डिलीवर्स इन्हेंस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें डेटा वेयरहाउस का बहुत बड़ा योगदान है। टाइम सेव होता है, डेटा क्वालिटी है वो इन्हेंस होती है, कंसिस्टेंसी इन्हेंस होती है, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं डेटा वेयरहाउस को यूज करते हुए। डेटा वेयरहाउस के कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं। डेटा वेयर के डिसएडवांटेज में है कि नया डेटा जब भी सोर्स से लेकर हम इसमें ऐड करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग है वो ज़्यादा होती है, कई बार प्रॉब्लम्स एसोसिएट होते हैं डेटा वेयरहाउस के साथ जिसमें कई सालों तक हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। डेटा वेयरहाउस है उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, लोड करना, क्लीन करना, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। डेटा वेयरहाउस देखने में सिंपल होता है लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है एवरेज यूजर के लिए, जिनको डोमेन का नॉलेज नहीं होता है उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसी भी एंड यूजर को डेटा वेयरहाउस यूज करने के लिए उसको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउसिंग का एक ओवरव्यू देखा है, इनके यूज क्या हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कैसे क्या काम करते हैं। नेक्स्ट आगे के जो वीडियोस हैं उनमें हम डिटेल से समझेंगे कैसे डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउसिंग काम करते हैं।